नमस्कार, मैं हूं सुवासित और आप देख रहे हैं बिज तक। ऑटोमोबाइल की दुनिया की हर खबर को लेकर मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज का मौका खास है क्योंकि मैं हूं गोवा में, और गोवा में मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं एक नई कार ड्राइव कर रहा हूं, और वो नई कार कौन सी है चलिए पता करते हैं। तो आज जो मैं कार आपके लिए लेकर आया हूं वो मेरे साथ खड़ी है, ये है नई स्कोडा स्लाविया। कंपनी की कोशिश है कि स्कोडा स्लाविया के जरिए मिड साइज सेडान सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई जाए। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, पर्सनली मुझे अपील कर रही है ये कार। लेकिन और क्या खास है इस कार में, आइए पता करते हैं। सालों में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ने तेजी से बाजार में अपनी पकड़ बनाई है। इसका सबसे बड़ा असर मिड साइज सेडान सेगमेंट पर पड़ा है। इस सेगमेंट की तरफ लोगों का रुझान कुछ कम तो जरूर हुआ है, लेकिन ये सेगमेंट अभी भी कई लोगों की पसंद बनी हुई है। इस सेगमेंट में नई जान फूंकने के लिए स्कोडा स्लाविया ने एंट्री मारी है। स्कोडा स्लाविया का फ्रंट काफी नीट एंड क्लीन है। आमतौर पर यह देखा गया है कि फॉक्सवैगन ग्रुप की किसी भी कार में हमें बिजी डिजाइन देखने को नहीं मिलता। डिजाइन के मामले में यह कार भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। फ्रंट लुक इंप्रेसिव है और पहली ही झलक में यह आपको पसंद आएगी। क्रोम का भी इस्तेमाल बहुत सफाई से किया गया है, जो इसके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है। फ्रंट में एक बेहद ही खूबसूरत स्कोडा का सिग्नेचर ग्रिल, स्कोडा का लोगो और डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। कुल मिलाकर सामने से कार बेहद ही शार्प और अग्रेसिव नजर आती है। साइड लुक की बात करें तो कार में आपको 16 इंच के टायर्स मिलेंगे। यहां पर स्कोडा का बैज नजर आएगा। डोर हैंडल्स पर भी क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। ORVM पर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं और शार्क फिन एंटीना भी आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल यहां भी आपको एक टिपिकल स्कोडा कार की पूरी झलक मिलती है। यह हिस्सा भी नीटली डिजाइन किया गया है। रियर लुक पर नजर डालें तो यहां आपको स्कोडा की बैजिंग और एक तरफ कोने में स्लाविया की बैजिंग मिलती है। साथ ही आपको LED टेल लैंप, पार्किंग सेंसर्स और पार्किंग कैमरा भी मिलता है। यहां भी डिजाइन के मामले में कार आपको इंप्रेस करेगी। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस भी यहां आपको एक प्रॉपर सेडान वाला मिलेगा, जो करीब 521 लीटर का है और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा स्पेस है। यहां सबसे जरूरी है कार के डायमेंशन की जिक्र करना, क्योंकि सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा बात कार की ग्राउंड क्लियरेंस की ही होती है। लेकिन यहां स्कोडा स्लाविया ने एक बड़ा मूव लिया है। स्कोडा स्लाविया में अब आपको करीब 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार से ज्यादा है। बड़े स्पीड ब्रेकर्स और छोटे मोटे पॉट होल्स पर यह कार नीचे से टच नहीं होती, और यह कार आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे रही है। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं स्कोडा स्लाविया और इसकी डायरेक्ट राइवल होंडा सिटी के डायमेंशन पर। स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी की डायमेंशन की बात करें तो स्कोडा स्लाविया की लंबाई 4541 mm है, तो वहीं होंडा सिटी की लंबाई 4549 mm है। तो स्कोडा स्लाविया करीब 1752 mm चौड़ी है, तो वहीं होंडा सिटी 1742 mm चौड़ी है। ऊंचाई के मामले में भी मामूली फर्क है। स्कोडा स्लाविया की ऊंचाई 1487 mm है, तो वहीं होंडा सिटी की ऊंचाई 1489 mm है। व्हील बेस में भी करीब 20 mm का फर्क है। स्कोडा स्लाविया का व्हील बेस 2651 mm का है, तो वहीं होंडा सिटी का व्हील बेस 2600 mm का है। सबसे बड़ा अंतर आपको ग्राउंड क्लियरेंस में नजर आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी को पीछे छोड़ते नजर आ रही है। स्कोडा स्लाविया का ग्राउंड क्लियरेंस करीब 179 mm का है, तो वहीं होंडा सिटी का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। दोनों ही कारों में 16 इंच के टायर्स लगे हैं। कुल मिलाकर कहें तो स्कोडा स्लाविया अपने सेगमेंट की सबसे खूबसूरत और वेल डिजाइन कार लगती है। अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर की। तो आपको बताते हैं कि इस हिस्से में कंपनी ने कैसा काम किया है। स्कोडा स्लाविया का इंटीरियर
पहली नजर में आपको अच्छा लगेगा। फिट और फिनिश के मामले में भी ये अच्छा फील दे रही है। हालांकि किसी किसी हिस्से पर लगता है कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है, जैसे डोर हैंडल पर लगी प्लास्टिक की क्वालिटी को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। डैशबोर्ड में कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा गया है और ये अच्छा भी दिखता है। डैशबोर्ड का पूरा लेआउट काफी क्लीन है और ये बहुत ज्यादा बिजी नहीं दिखता। कुल मिलाकर कहें तो कार की केबिन को मॉडर्न रखा गया है ताकि युवा ग्राहकों को भी ये कार पसंद आए। यहाँ आपको 9 इंच का स्क्रीन मिलता है जो काफी स्मूथली हैंडल होता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा भी मिलती है। साथ ही इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी दिए गए हैं जिससे आप अपने मोबाइल फोन को स्कोडा स्मार्ट कनेक्ट ऐप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहां आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन भी दिया गया है। इसकी क्वालिटी इंप्रेसिव है और इसे होल्ड करने में अच्छा फील होता है। साथ ही इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाता है। डोर हैंडल, स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट आर्मरेस्ट पर लेदरेट फैब्रिक दिया गया है जो आपको भी पसंद आएगा। इससे कार की फिनिश में और भी खूबसूरती आती है। इसके अलावा फ्रंट सीट के पास आपको वायरलेस चार्जर के साथ साथ दो टाइप सी चार्जर पॉइंट मिलते हैं। हालांकि आपको यहां टाइप ए या कोई अन्य चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये एक फ्यूचर रेडी कार है, इसलिए इसमें हर तकनीक को फ्यूचर के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नजर डालें तो कंपनी ने यहां भी काफी सफाई से काम किया है। यहां ब्लैक और ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है जो दिखने में अच्छा लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको जरूरत भर की सारी जानकारी मिल जाती है और यहां डिस्प्ले में जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं। यहां आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट इकोनॉमी जैसी जानकारी भी मिल जाती है। इसके अलावा आप यहीं पर ऑडियो और टेलीफोनी सेटिंग भी कर सकते हैं। स्कोडा स्लेविया के एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर पर ये ठीक ठाक काम करता है और कार को तेजी से कूल करता है। सीट्स की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। सीट्स की क्वालिटी अच्छी है और इसकी कुशनिंग में भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड हैं और ठंड और गर्मी दोनों ही मौसम में आपको पूरा सीटिंग कम्फर्ट मिलेगा। सीट में प्रॉपर सपोर्ट मिलता है और लॉन्ग रन में भी इस सीट पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो स्कोडा यहां कुछ अलग लेकर आई है। यहां आपको स्कोडा साउंड मिलेगा जिसे कंपनी ने खास तौर पर डिजाइन किया है। अब बात करते हैं कार की रियर सीट की। यहां भी पैसेंजर कंफर्ट का ख्याल रखा गया है। एक एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से आपको अच्छा खासा लेग स्पेस और नी रूम मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो आपको इस सीट से कोई शिकायत नहीं होगी। हेडरूम के मामले में ज्यादा लंबी हाइट वालों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है और एवरेज हाइट वाले लोगों के हिसाब से थाई सपोर्ट और शोल्डर रूम भी एवरेज है। तो अब बारी है स्कोडा स्लेविया के इंजन परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को चेक करने का, लेकिन इससे पहले आप नजर डाल लीजिए कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस पर। स्कोडा स्लेविया में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलता है जिसमें एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है तो दूसरा 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन। पावर डिलीवरी की बात करें तो 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन करीब 113 bhp का पावर और करीब 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, तो वहीं 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन करीब 148 bhp का पावर और करीब 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हमने दोनों ही वेरिएंट्स को बारी बारी से चलाया और इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करते हैं 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन वेरियंट के परफॉर्मेंस की। इस इंजन के साथ आपको दो गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट या कहें तो 6-स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलता है। हमने दोनों ही कारों के ऑटोमेटिक वेरिएंट को ड्राइव किया, इसलिए बात सिर्फ इसी की होगी। 1.0 लीटर वेरिएंट काफी स्मूथ है, आपको पावर डिलीवरी प्रॉपर मिलेगी। ये इंजन आपको स्कोडा कोशैक में भी मिलता है, लेकिन स्लेविया में ये इंजन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। गियरबॉक्स का रिस्पांस भी काफी इंप्रेसिव है। अगर आपको क्विक शिफ्ट चाहिए तो कार में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जिसे आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको करीब 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है।
हालांकि ये पूरी तरह से आपकी ड्राइविंग स्टाइल और रोड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए इस पर साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सस्पेंशन को पहले से ज्यादा इंडियनाइज करने की कोशिश हुई है। भारत की सड़कों को ध्यान में रखकर इसके सस्पेंशन सेटअप को इम्प्रूव किया गया है और इससे कार की राइडिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। स्टीयरिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। हाई स्पीड पर भी स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स आपको पसंद आएगा। तो इससे पहले आपको बता दें कि डिजाइन के मामले में दोनों ही वेरियंट बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे वो एक्सटीरियर की बात हो या इंटीरियर की। स्कोडा स्लाविया का 1.5 लीटर पेट्रोल वेरिएंट खासकर उन लोगों के लिए है जो एक फैमिली कार के साथ साथ एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार को ड्राइव करना चाहते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो ये वेरिएंट मास सेगमेंट के लिए नहीं है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इंजन कमाल का है। स्कोडा ने इस इंजन को बेहद ही शानदार तरीके से ट्यून किया है। इस इंजन को ड्राइव करना फन है क्योंकि ये शानदार पावर डिलीवर करता है। मिड रेंज में इंजन की परफॉर्मेंस गजब की है। इस इंजन को एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है ताकि अगर आप स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहे हो तो सिर्फ दो सिलेंडर ही काम करता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी निकल कर आती है। इंजन की आवाज भी स्पोर्टी फील होती है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन के फैन हैं तो इस वेरिएंट के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर देखें तो स्कोडा स्लाविया का 1.0 लीटर वेरिएंट ज्यादा मास ओरिएंटेड लगता है और उम्मीद है कि इसी वेरिएंट को ज्यादातर लोग पसंद करेंगे। तो वहीं 1.5 लीटर वेरिएंट परफॉर्मेंस के मामले में शानदार है और इसमें फन टू ड्राइव एलिमेंट भी है जो उन चुनिंदा लोगों को पसंद आएगी जिनकी पहली पसंद इंजन परफॉर्मेंस ही होती है। अब एक नजर स्कोडा स्लाविया 1.0 TSI की एक्स शोरूम कीमत पर। स्कोडा स्लाविया 1.0 TSI की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप एंड स्टाइल वेरिएंट की कीमत करीब 15.39 लाख रुपए रखी गई है। वहीं स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI की एक्स शोरूम कीमत 16.19 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट स्टाइल 80 की कीमत 17.79 लाख रुपए रखी गई है। तो ये थी आपके लिए स्कोडा स्लाविया जिसे हमने ड्राइव किया। बात में कोई शक नहीं है कि स्कोडा ने इस कार के साथ खुद को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश की है और पिछली कई वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन इस कार का अपने सेगमेंट में मुकाबला होंडा सिटी से है जो कि इस सेगमेंट की लीडर है। अब देखना ये होगा कि स्कोडा स्लाविया के लिए अपने सेगमेंट में जगह बनाना कितना आसान होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऑटोमोबाइल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए बिस्तक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।